जी हाँ दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने, कुछ बड़े रिकॉर्ड्स टूटते नजर आए। साथ ही साथ श्रीलंका की किस वजह से दोस्तों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा और कैसे शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव की पारी ने दोस्तों पूरी तरीके से मैच को पलट दिया। और दूसरी तरफ दीपक चहर अगर उस ओवर में दो विकेट नहीं लेते तो दोस्तों श्रीलंका वो मैच जीत जाती। आखिर वो कौन सी दो विकेटें थी, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी जिसकी वजह से पूरे मैच का रुख पलट गया, यही जानकारी आपको देंगे। पृथ्वी शो के शर्मनाक रिकॉर्ड से रूबरू कराएंगे, सूर्य कुमार यादव के एक महान रिकॉर्ड की आपको जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगले होने वाले मुकाबलों की भी जानकारी, ओलंपिक से रिलेटेड गेम्स की जानकारी और 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL के दोबारा मैचेस की जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों आज बात करते हैं टॉस की, क्योंकि देखा जाए दोस्तों चाहे टीम इंडिया के कप्तान कोहली हो या फिर शिखर धवन ही अब क्यों ना हो, टॉस में दोस्तों हमेशा ही किस्मत खराब रही है और आज भी टॉस शिखर धवन पाजी हार गए। हारने के बाद दोस्तों क्या था, श्रीलंका टीम के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, उसके बाद दोस्तों शिखर धवन की पलटन को यानी टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया। बारिश के आसार नजर आ रहे थे, बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी गिरी, लेकिन भगवान का शुक्र यह है कि हल्की हल्की बूंदें गिरी जिसकी वजह से मैच में रुकावट नहीं आई। एक समय पर दोस्तों जो ग्राउंड स्टाफ मेंबर मौजूद रहते हैं, जो कवर्स ढकते हैं पूरे मैदान पर, वो खड़े तो हो गए थे कवर्स लेकिन अचानक से बारिश हल्की हो गई तो मैच आगे कंटिन्यू रहा, मैच को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सबसे अच्छी यही बात रही। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 164 यानी कि 164 का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, जहां पर लग रहा था कि कम से कम 20 रन शॉर्ट है, यानी कि 20 रन और बनाने चाहिए थे, 180 तक का टारगेट रखना चाहिए था। ये सब तो बात दोस्तों ये सब बात तो स्कोर की हो गई। लेकिन अब आपको बताया कि आज टीम इंडिया में कौन कौन खेल रहा था, तो दो खिलाड़ी दोस्तों डेब्यूट करते नजर आए थे। एक में नाम है पृथ्वी शो, दूसरा नाम है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलने वाले IPL में गेंदबाज, मिस्ट्री स्पिनर भी कहते हैं इन्हें, वरुण चक्रवर्ती, जो अब 8 ऐसी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है कि 8 वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर प्लेइंग 11 की बात करें, शिखर धवन, पृथ्वी शो ओपनिंग, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, कुरनल पंड्या, दीपक चहर, कप्तान उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार, यूजी चहल और वरुण चक्रवर्ती थे। अब दोस्तों श्रीलंका टीम में भी दो डेब्यूट होता नजर आया और 3 करीब चेंजेस थे श्रीलंका टीम में भी, आपको नाम बता देंगे फिर भी आप शायद आश्चर्यचकित रहे क्योंकि उनके नाम थोड़े अटपटे हैं। पहले नाम याद रहते थे जैसे महिला जयवर्धने, लसित मलिंगा, तिलक रत्ने, दिलशान, ऐसे नाम याद भी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे दोस्तों ये खिलाड़ी भी अच्छा काम करेंगे इनके नाम भी सभी की जुबान पर चढ़ जाएंगे। जैसे आज असलंका ने अच्छी पारी खेली, वो कैसी पारी खेली वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी शो और धवन यहाँ पर मैदान पर उतरे ओपनिंग करने के लिए। पृथ्वी शो ने मैच की पहली ही गेंद खेली और अपने करियर की T20 करियर की पहली गेंद, यानी कि आज इनका डेब्यूट मुकाबला था तो इसी मुकाबले में पहली गेंद पर चमीरा ने दोस्तों उनको आउट कर दिया, यानी बिना खाता खोले और गोल्डन डक पर आउट होने वाले एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बन गए। आपको बताएं इनके और रिकॉर्ड से रूबरू कराएं तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से शर्मनाक भी है, भयानक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने भी इनके साथ डेब्यूट किया और एक अद्भुत रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ पृथ्वी शो ने बनाया। सबसे पहले बात करते हैं इनके अच्छे रिकॉर्ड के बारे में, भारत के लिए T20 में ओपन करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले दोस्तों 21 साल 258 दिन की उम्र में डेब्यू करते हुए इन्होंने बैटिंग की शुरुआत कर दी है पृथ्वी शो ने। शो से पहले रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है, रोहित शर्मा ने 22 साल 37 दिन की उम्र में भारत के लिए T20 में ओपनिंग की थी। उनके बाद दोस्तों विराट कोहली का नाम सामने आता जिन्होंने 22 साल 65 दिन की उम्र में शुरुआत की, फिर ईशान किशन ने 22 साल 239 दिन की उम्र में और अजिंक्य रहाणे 23 साल 86 दिन की उम्र में नाम आता है। अब पृथ्वी शो दोस्तों भारत के पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 24 साल की उम्र से पहले ही टेस्ट, वनडे, T20 में बैटिंग की शुरुआत की है। पृथ्वी शो भारत के लिए अपने पहले T20 मैच में बिना खाता खोले वापस आए तो ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जो बिना खाता खोले वापस आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस प्रकार से दुश्मन चमीरा के शिकार हुए महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों इस लिस्ट में नाम शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बिना खाता खोले साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट हो गए थे। दूसरी तरफ दोस्तों KL राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2016 में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। अगर अलग अलग फॉर्मेट के डेब्यू मैच में शतक और बिना खाता खोले होने की रिकॉर्ड की बात करें तो पृथ्वी शो का नाम उसमें शामिल हो गया है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने जो डेब्यू टेस्ट मैच था उसमें शतक लगाया था। अब श्रीलंका के खिलाफ खाता खोले बिना आउट हो गए तो ये भी एक अलग रिकॉर्ड है। उनसे पहले दो और बल्लेबाज ऐसा कर चुके हैं, जहां न्यूजीलैंड के मैथ्यू सिंक्लेयर तो T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 214 रन मारे थे। वहीं पाकिस्तान के यूनुस खान भी T20 डेब्यू में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन टेस्ट में उन्होंने शतक ठोका था। इसके साथ साथ दोस्तों पृथ्वी शो डेब्यू T20
T20 मुकाबले पहली गेंद पर यानी गोल्डन डक जिसे कहा जाता है वो करने में कामयाब रहे। ये कह सकते हैं कि अनचाहा रिकॉर्ड है जो ये बनाना नहीं चाहते थे लेकिन बन गया। लेकिन ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं, उनसे पहले KL राहुल साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बात हो गई पृथ्वी शो के इस बड़े ही शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में। कुछ अच्छी बातें भी थी कि सबसे कम उम्र में उन्होंने डेब्यू कर लिया। इसके बाद दोस्तों शिखर धवन और सैमसन की पारी की बात करते हैं। अच्छी बात यह रही कि पृथ्वी शो के आउट होते यहाँ पर संजू सैमसन को ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा, जहाँ पर उन्होंने दोस्तों 20 गेंदों में 27 रन की पारी खेली। शिखर धवन के साथ कुछ अच्छी पारी खेली लेकिन हसरंगा की गेंद पर LBW आउट हो गए और यहां पर दोस्तों इनकी पारी समाप्त हुई जब टीम का स्कोर 51 रन पहुंच चुका था। तो पहली गेंद पर विकेट गिरने के बाद टीम ने फिर भी अच्छा करा, पावर प्ले पहले अपना नाम करा था, 6 ओवर के अंदर 51 रन जड़ दिए थे। अगली ही गेंद पर सैमसन आउट हो गए थे, 2 चौका 1 छक्का मारा था। एक छक्का इन्होंने जो मारा वो 91 मीटर लंबा छक्का था, बहुत ही लंबा छक्का था, देखने लायक था। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने शिखर धवन के साथ अच्छी पारी खेली। अब शिखर धवन दोस्तों 36 गेंदों में 46 रन खेलकर आउट हो गए, 4 चौका 1 छक्का इन्होंने मारा था। दूसरी तरफ दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 34 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से टीम का जो मिडिल ऑर्डर में स्कोर था वो रन रेट आगे बढ़ता चला गया। 5 चौके 2 छक्के सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आए। हार्दिक पंड्या ने आज भी निराश किया, 10 ही रन बनाए 12 गेंदों में, लेकिन ईशान किशन ने लास्ट में 14 गेंदों में 20 रन बनाए। कुरनल पंड्या ने 3 गेंदों में 3 रन। ऐसे करते करते दोस्तों टीम इंडिया 164 रन स्कोर पर पहुंची 5 विकेट के नुकसान पर। चमीरा ने 2 विकेट, हसरंगा ने 2 विकेट, करुणा रत्न ने 1 विकेट अपने नाम किया था। एक समय पर लग रहा था टीम का स्कोर 180 जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव की अर्धशतक की बात आई है, तो चलिए आपको उनका एक बड़ा रिकॉर्ड भी बताते हैं कि कैसे इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। सूर्य कुमार यादव ने अब तक भारत के लिए 4 T20 मैच खेले हैं और इनकी 3 पारियों में उन्होंने 46.33 की औसत से 139 रन बनाए हैं। उनका अब तक का बेस्ट स्कोर 57 रन रहा है। सूर्य कुमार अब भारत की तरफ से अपने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की पहली 3 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गौतम गंभीर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी पहली 3 पारियों में 109 रन बनाए थे। भारत के लिए दोस्तों बात करें तो 139 रन अब 3 पारियों में सूर्य कुमार यादव ने बनाए, 109 रन दोस्तों गौतम गंभीर ने, 99 रन सुरेश रैना ने, 88 रन रोहित शर्मा ने, 87 रन मनदीप शर्मा ने बनाए थे। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ 5 चौके 2 छक्के 147 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते बहुत ही ज़बरदस्त एक अर्धशतक ठोका, जो अच्छी पारी थी। उन्होंने पिछली 3 T20 इंटरनेशनल पारियों में 57.3 और 57, 32 और उसके बाद 50 रन की पारी खेली, यानी पहली पारी में 57, फिर 32, उसके बाद 50 रन की पारी खेली, शानदार रन के लिए भी। लेकिन अब दोस्तों 164 जितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, 165 यहाँ पर बनाने थे श्रीलंका की टीम को। और जो पिछले 3 ODI मुकाबले हुए थे वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी कि जिस भी टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी वो टीम हारी थी। अब यही दोस्तों एक बुरे सपने की तरह यहाँ पर खिलाड़ियों के आंखों के सामने यही जरूर दोहरा रहा होगा कि बल्लेबाजी पहले कर तो ली है, क्या इस चेज़ को डिफेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने आसानी से डिफेंड कर लिया, कह सकते हैं कि 10 की 10 विकेट चटका दे श्रीलंका के उनके होम ग्राउंड आर प्रेमादास में। अब दोस्तों आपको बताएं कि सबसे सफल गेंदबाज यहाँ पर उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार साबित हुए। यहाँ पर से दोस्तों कई खिलाड़ियों पर नज़र बना रखे हैं बड़ी ही बारीकी से कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली ने, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ खिलाड़ियों के लिए रास्ते खुलते नजर आ सकते हैं। उसमें सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं और कई गेंदबाज भी हो सकते हैं। अब अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका शुरुआत में ओपनिंग करने आए लेकिन दोस्तों इनका पहला विकेट 23 रन पर गिर गया था। विनोद भानुका का जो यूजी चहल ने लिया था शानदार दोस्तों, जो माफ़ कीजिएगा पहला विकेट कुरनाल पांड्या ने लिया था, कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने। उसके बाद जो दूसरा विकेट आया दोस्तों वो यहाँ पर आया था धनंजय डी सिल्वा का, जो युजवेंद्र चहल ने लिया था। धनंजय डी सिल्वा ने 9 ही रन बनाए। आपको दोस्तों बाकी खिलाड़ियों का क्या ही स्कोर बताएं, क्योंकि सिर्फ 3-4 ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने 10 से प्लस का स्कोर बनाया और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे चरित असलंका, जिन्होंने 26 गेंदों में 44 रन की पारी खेली। दोस्तों धनंजय डी सिल्वा के आउट होने के बाद ये मैदान पर एंट्री करे थे लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहा था। एक समय पर जब कप्तान यहाँ पर एंटर हुए थे दसुन शंका, तो उनके साथ लग रहा था कि पार्टनरशिप बनेगी। आपको बताएं दोस्तों जब अविष्का फर्नांडो भी आउट हो गए थे, अविष्का फर्नांडो का विकेट जब 50 रन पर गिर गया था तो एशन बंदारा और यहाँ पर चरित असलंका के बीच करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 40 रन की पार्टनरशिप हुई थी। लग रहा था कि ये दोनों मैच को निकाल कर ले जाएंगे क्योंकि उस समय 10 रन रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था और आसानी से चौका छक्का जड़कर ये जिता भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जैसे ही दीपक चहर आए अपना वो ओवर लेकर,
जो दोस्तों मैच का निर्णायक ओवर साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों अगर वो ओवर पहले नहीं लाए होते, जो 15वां ओवर था उस ओवर में दोस्तों उससे एक ओवर पहले ही युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी करी थी 14वें ओवर में। यूजी चहल ने उस ओवर में सिर्फ 2 या 3 रन दिए थे, जिसकी वजह से दोस्तों असलंका बहुत इनके हाथों में खुजली हो रही थी, चौका छक्का मारना था। अब जो स्टेडियम में दोस्तों उसकी बनावट देखें तो करीब करीब 80-70 ऐसी मीटर की बाउंड्रियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ हैं। तो चरित असलंका ने कोशिश की दीपक चहर की गेंद पर छक्का मारने की, लेकिन पृथ्वी शो ने इनका कैच पकड़ लिया और यहीं पर पारी समाप्त हुई। इसके बाद पूरी टीम बिखर सी गई ताश की पत्तों की तरह, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट ली, दीपक चहर ने 2 विकेट, कुरनाल पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, यूजी चहल, हार्दिक पांड्या सबके खाते में 1-1 विकेट रहा। सबसे अच्छी गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार ने करी, उससे अच्छी गेंदबाजी दीपक चहर ने। तो सबके मिले जुले योगदान की मदद से दोस्तों श्रीलंका को 126 10 विकेट यानी कि ऑल आउट करते हुए रोक लिया गया, और अभी तक ओवर 18.3 ओवर हुए थे। इसके बाद भी करीब करीब 9 गेंदें बाकी थीं, लेकिन इतना रन चेज नहीं हो पाता, 38 रन नहीं बन पाते। लेकिन ऐसे करते कराते दोस्तों टीम इंडिया ने ये पहला T20 मुकाबला अपने नाम दर्ज करा, जिसमें सूर्यकुमार यादव का खतरनाक रिकॉर्ड बना, शर्मनाक रिकॉर्ड पृथ्वी शो का बना, उनके अच्छा भी रिकॉर्ड बना कि सबसे कम उम्र में T20 खेला। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पहला T20 जीत लिया है। अब दूसरा T20 27 जुलाई को शाम 8 बजे ही इसी समय पर होना है दोस्तों, उसमें सब पर नजरें रहेंगी कि क्या श्रीलंका बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। अब दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से T20 में कप्तानी करते हुए शिखर धवन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया कि 35 साल 232 दिन की उम्र में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होने के बावजूद इन्होंने T20 में एज अ कैप्टन डेब्यूट किया, इससे पहले ODI में, अब उसके बाद दोस्तों यहां पर T20 में। इससे पहले का रिकॉर्ड दोस्तों ये था कि 19 मैच श्रीलंका के साथ इंटरनेशनल T20 हुए थे, जिसमें से 13 मैच दोस्तों टीम इंडिया जीती थी, 5 मैच श्रीलंका जीती थी, 1 मैच बिना रिजल्ट का रहा था। अब ये 20वां मैच हो गया जहां पर 14 मैच टीम इंडिया जीत चुकी है। सीरीज अभी तक दोस्तों श्रीलंका नहीं जीत पाई है टीम इंडिया के सामने, और बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। लेकिन यहां पर टीम इंडिया की जीत का श्रेय कह सकते हैं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को जाता है, दीपक चहर के उस ओवर को जाता है जिसमें 2 विकेट लिए थे। उससे पहले दोस्तों युजवेंद्र चहल की अच्छी गेंदबाजी रही थी, जिसकी मदद से दोस्तों उन्होंने एक बड़ा ही कीमती विकेट लिया था धनंजय डिसिल्वा का, वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो ये कुल मिलाकर टीम का पूरा योगदान रहा, और सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से चमकते नजर आए। शिखर धवन की गलती हो गई थी, 50 उनका भी बनता, लेकिन स्टेडियम हमने आपको बताया बड़ा था, कोशिश उनकी ये थी कि छक्का मारकर अपना 50 कंप्लीट करेंगे, छक्का मारने की कोशिश की, उसी में कोशिश में आउट हो गए, तो ये दिक्कत रही। और उसके अलावा दोस्तों मैदान पर कुछ खास घटा नहीं, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ, बस बारिश ने थोड़ी खलल डाली थी। अब देखते हैं अगले T20 में बारिश का मौसम कैसा रहता है, उसके साथ साथ रनों की बरसात होती है या नहीं। पहला T20 मुकाबला 38 रनों से टीम इंडिया ने जीत लिया, श्रीलंका को 126 पर ऑल आउट कर दिया, 164 रन टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते बनाए थे, 165 चेस करने थे श्रीलंका को। पहले T20 जीतने पर बहुत बधाई है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हुए हैं तो। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ और भी जानकारियों के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। नमस्कार।